बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशियार बात रखे, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम ऑमलेट सैंडविच बिल्कुल नए स्टाइल में बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बनाना बेहद आसान है। बहुत ही डिफरेंट किस्म की, बहुत ही यूनिक और हेल्दी किस्म की रेसिपी है। ये हमने कैसे तैयार किए हैं, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 अदद ब्रेड ले लिए हैं और साथ ही 2 अदद अंडे ले लिए हैं। अगर आप 2 ब्रेड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 2 अंडे इनफ हैं, यानी कि काफ़ी रहेंगे। साथ ही कुछ सब्जियाँ काट ली हैं, जैसे कि हरा धनिया है 2 टेबल स्पून के करीब, 2 टेबल स पून ही चॉप की हुई अनियन यानी कि प्याज है, और थोड़ा सा मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। अगर आपको टेस्ट पसंद है डाल लीजिएगा, वरना इसको स्किप कर लीजिएगा। 1 अदद हरी मिर्च है जिसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। तो चलिए वह जल्दी से ऑमलेट की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने 1 बाउल ले लिया है और इसमें 2 अंडे फोड़ देंगे, और जैसे ही अंडे तोड़ेंगे इसको बीट कर लेंगे। तकरीबन चंद सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड के लिए हमें इसको बीट कर लेना है, और उसके बाद इसमें चंद चीज़ें डाल देनी है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, जैसे कि हरा धनिया है, प्याज है चॉप की हुई, बिल्कुल बारीक बारीक सी हमने प्याज कट की है, थोड़ा हमने ले लिया है लहसुन का पेस्ट, और साथ ही डाल देंगे हरी मिर्चें। तो यहाँ पे बस सारी सब्जियां शामिल करने के बाद इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। मसाले भी बहुत ही कम ऐड होंगे, जैसा कि यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब हमने नमक ले लिया है, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, और 1/4 टीस्पून है काले मिर्च का पाउडर। इन तीनों मसालों को भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इसको दोबारा से बीट कर लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको बीट करेंगे, जब तक कि इसके ऊपर झाग नहीं बन जाती तब तक हमने इन अंडों को बीट कर लेना है, यानी कि फेंट लेना है। तो ये बस बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, आपको बेहद पसंद आने वाली है। नाश्ता में इसको बनाइए, डिनर में बनाइए, लंच में दिल कर रहा है कुछ अलग सा खाने को तो आप ये सैंडविचेस तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही मजे के तैयार होंगे, और काइंडली इन्हीं ट्रिक्स के साथ तैयार कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने अंडों को बीट कर लिया है, इसके ऊपर थोड़ी सी फॉर्म भी आपको नजर आ रही है, तो बस इतना ही हमें अंडों को बीट करना है। अब हमने क्या करना है, एक पैन लेना है, इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे बटर, और बटर जैसे ही मेल्ट होगा इसके अंदर शामिल करेंगे अपना ऑमलेट टोस्ट। यहाँ पे हमने 1 ब्रेड का पीस लिया है और इसके अंदर अंडा को अच्छे तरीके से कोट कर देना है, और कोट करने के बाद इस ब्रेड के पीस को रख देंगे पैन के अंदर। पैन को पहले गर्म कर लेना है, गर्म करने के बाद आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि अंडा लगाया हुआ है जल्दी से ही फ्राई हो जाएगा। तो बस तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको रखना है पैन के अंदर। जैसे ही अंडा इसके साथ स्टिक हो जाएगा, यानी कि अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा, और साथ ही थोड़ी सी इसकी लेयर क्रिस्पी हो जाएगी, तो हम साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अंडे को ऊपर अच्छे तरीके से फैला दिया है, ताकि एक अच्छी अमाउंट हम अंडे की यूज कर सके, और इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रेड कर दी है कुटी हुई लाल मिर्च, और अब हम इसको पलट देते हैं। तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं और फ्लेम स्लो ही है। ये देखिए कितना मजे का लग रहा है, और यहाँ पे हमारी जो एक साइड थी बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो चुकी है, और दूसरी साइड को भी हमें तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए बस हमारा एक टोस्ट तो तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपना दूसरा टोस्ट भी तैयार कर लेते हैं। ये देखें क्रिस्पी और गोल्डन हो जाने तक और अच्छे तरीके से पक जाने तक हमें इस टोस्ट को भी फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा सा फ्राई हो चुका है, और इस तरह हमारे दोनों ही टोस्ट तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने मज़े के और यमी लग रहे हैं, चाहे तो इनको आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा और यूनिक बनाना है, थोड़ा सा और टेस्टफुल बनाना है। वो कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। 1 ब्रेड के पीस के ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब मायोनीज, और 1 टीस्पून ही शामिल कर देंगे केचप। इन दोनों को अच्छे तरीके से फैलाकर पूरे ही ब्रेड के पीस के ऊपर लगा देते हैं, और उसके बाद हमने ले लेना है 1 टमाटर। जी हाँ व्यूअर्स, टमाटर भी आप ले सकते हैं, चाहे तो खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज के रिंग्स भी ले सकते हैं, और इस तरह आप इस सैंडविच को मजीद टेस्टफुल और हेल्दी बना पाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 अदद टमाटर का इस्तेमाल किया है, इसके अंदर के बीज हमने सेपरेट कर दिए थे और इसको बारीक बारीक स्लाइसेस में कट करके इसके ऊपर रख दिया है। अब हमने ब्रेड का दूसरा पीस लेना है और इसके ऊपर रख देना है। ये देखिए कितना टेस्टफुल लग रहा है, देखने में ही बाकमाल लग रहा है ना, खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब तैयार होने वाला है ये सैंडविच जब आप इसी तरीके से इसको बनाएंगे। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें किए बिना मत जाइएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फ़ौरन से ही मिल सके।
तो चलिए वर्स अब मजेदार से सैंडविच को हम कट करेंगे, अंदर से भी देखेंगे कि ये कैसा लग रहा है। बच्चों को लंच बॉक्स में देने का बेहतरीन आइडिया है, मेहमान आ जाएं तो चाय के साथ इसको सर्व कीजिए, खुद का कुछ नया खाने को दिल चाहे तो इस तरह के मजेदार से बिल्कुल यूनिक किस्म के और हेल्दी किस्म के सैंडविचेस बनाइए और खूब मजे कीजिए। तो चलिए वर्स अब हम इसको टेस्ट भी करेंगे, तो यकीन मानिए वर्स बहुत ही मजे के बने हैं, ये कहने की बात नहीं है, जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो वाकई ही आप वाह वाह कर उठेंगे। तो इसके साथ ही व्यूअर्स इजाजत चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।